मुनव्वर फारूकी ने अपने सभी फैंस को आज एक बहुत बड़ा और सबसे ज्यादा आई थिंक अच्छा सरप्राइज दिया है। जियो सिनेमा पर एक बार फिर से फीचर होंगे मुनव्वर फारूकी। अब देखिए, ये तो आपको पता ही है, 22 मार्च से आईपीएल शुरू हो रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत हो रही है 22 मार्च से। मेंस की क्रिकेट आईपीएल यह है, ये इससे पहले वुमेन्स क्रिकेट आईपीएल हो चुका है और देखिए उसमें आरसीबी ने जीत दर्ज कर ली है फाइनल में और ट्रॉफी जीत गए हैं पहली बार हिस्ट्री में। लेकिन अब मुनव्वर फारूकी ने अपने सभी फैंस को इन्फॉर्मेशन दी है, अपने सभी फैंस को बताया है कि देखिए 22 मार्च को वो जियो सिनेमा पर आप सभी को दिखने वाले हैं। डेफिनेटली वो मैच से पहले का जो प्री मैच एनालिसिस होता है उसमें नजर आएंगे, हो सकता है मैच के दौरान भी नजर आ सकते हैं वो और मैच के बाद भी नजर आ सकते हैं। देखिए मोस्ट प्रोबेबली जो चांसेस हैं वो प्री मैच एनालिसिस यानी कि उससे पहले पहले नजर आएंगे मुनव्वर फारूकी अपने सभी फैंस को आईपीएल में। साथ ही साथ आपको एक और बात बता देता हूं, देखिए मुनव्वर फारूकी ने एक वीडियो जारी की है, वो स्टार्टिंग में कुछ शेर व शायरी करते हुए नजर आ रहे थे, कुछ शेर बोलते हुए नजर आ रहे थे। देखिए उनकी शायराना अंदाज जो है उसके बारे में हर कोई जानता है और हर कोई फिदा है उन पर, उन्हीं उनके इसी शायराना अंदाज को लेकर। अब देखिए स्टार्टिंग में वो कुछ शायराना अंदाज में कह रहे थे लेकिन उसके बाद मुनव्वर फारूकी को एकदम से कॉल आता है जियो सिनेमा की तरफ से और फिर उन्हें बताया जाता है कि जियो सिनेमा पर उन्हें आना है क्योंकि आईपीएल की शुरुआत हो रही है। तो फिर वो बोलते हैं कि देखिए मुझे पता है कि आईपीएल की शुरुआत हो रही है और डेफिनेटली वो पहुंच जाएंगे आईपीएल के मैच वाले दिन, यानी कि परसों 22 मार्च को मैच है, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का पहला मैच है और डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है आईपीएल में क्योंकि हर साल बहुत ज़्यादा मज़ा आता और इस साल दोगुना मज़ा हो गया क्योंकि मुनव्वर फारूकी हमें पहले मैच में नज़र आने वाले हैं और वो देखिए कॉमेंट्री भी कर सकते हैं या फिर वो प्री मैच एनालिसिस में भी नजर आ सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि जहां से उन्होंने इस वीडियो को शूट किया, जिस सेटअप में शूट किया, उसी सेटअप में मनारा चोपड़ा का भी एक वीडियो निकलकर सामने आया था जिसमें वो फोन पर बातचीत करती हुई नजर आ रही थी और फिर साथ ही साथ उन्होंने केमिस्ट्री की बुक हाथ में पकड़े हुए भी एक फोटो शूट करवाया था। अब ये सेम लोकेशन है भाई, मतलब क्या माजरा है मुनव्वर और मनारा का, सेम लोकेशन पर, सेम सेट के लोकेशन पर है। क्या मनारा चोपड़ा भी आईपीएल में फीचर होने वाली हैं? क्या आईपीएल में मनारा भी नजर आएंगी? अगर ऐसा होता तो अभी तक मनारा का भी कोई वीडियो आ जाता, बट ऐसा कुछ है नहीं अभी तक। लेकिन ये लोकेशन जरूर सेम है, जहां मुनव्वर हैं वहीं पर ही मनारा कुछ दिन पहले फोटोशूट कराती हुई नजर आई थी। इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप मुनव्वर फारूकी को मैच में देखने के लिए, कॉमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बता दीजिएगा। बाकी एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, विच इज जर्नलिस्ट हिमांशु सोनी। नमस्कार भाई, ये क्या हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा है मुनव्वर फारूकी और मनारा चोपड़ा का मतलब क्या चल रहा है, मतलब दोनों फ्रेंड्स हैं, दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं, दोनों फ्रेंड्स से ज़्यादा हैं या नहीं हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि अब कुछ टाइम पहले मनारा चोपड़ा ने एक वीडियो डाला था जिसमें वो अपने फैंस को गेस करने के लिए कह रही थी कि भाई वो किससे बात कर रही हैं और देखिए फोन था उनके हाथ में, बेसिकली सारी चीजें थी, एक लोकेशन पर बेसिकली वो नजर आ रही थी, एक शूट लोकेशन दिख रहा था वो देखने से। अब मुनव्वर फारूकी ने कल एक डीपी लगाई है उनके इंस्टाग्राम पर, दोबारा से उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर को चेंज कर लिया है, उन्होंने एक डीपी लगाई है। वो जिस कुर्सी पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं वो सेम कुर्सी जो है, अच्छा आप देखिए कुर्सी तो सेम हो सकती है, ठीक है, डेफिनेटली कुर्सी तो सेम हो सकती है, मुनव्वर फारूकी की कुर्सी और मनारा चोपड़ा की कुर्सी, दोनों पिक्चर्स भी बिल्कुल सेम कुर्सी है। आप कहेंगे चलिए ठीक है चेयर भी सेम हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन चेयर के पीछे जहां मुनव्वर बैठे हैं उस चेयर के पीछे का बैकग्राउंड जो वॉल पे एक यू नो डेकोरेटिव थिंग है वो भी सेम है जो मनारा चोपड़ा के पीछे बैकग्राउंड पे वॉल पर एक डेकोरेटिव लगा हुआ था, एक डेकोरेटिव यू नो आइटम दिख रही है। दोनों सेम है, दोनों के वॉल सेम है, डेकोरेटिव आइटम सेम है, चेयर सेम है, दैट मीन्स वो एक ही लोकेशन पर हैं, दोनों एक ही लोकेशन पर थे। अब मुनव्वर फारूकी भी साथ में थे या फिर मुनव्वर फारूकी बाद में गए हैं वो नहीं पता है, वो इस बात का खुलासा फिलहाल नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, कल ही अभी मुनव्वर फारूकी ने अपनी इस पिक्चर को लगाया है अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आप बहुत ही ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई दोनों की जो लोकेशन
लोकेशन है जहां भी ये पिक्चर्स ली गई हैं वो बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है मनारा चोपड़ा और मुनव्वर फारूकी की लोकेशन। अब देखिए दोनों साथ में थे या फिर अलग थे वो नहीं पता है, बट दोनों साथ में, दोनों की जो लोकेशन है वो डेफिनेटली सेम है फॉर श्योर। मुनव्वर ने इवन चेयर के लेफ्ट साइड पे अपने आप को बैंड किया हुआ है थोड़ा सा, तो वो डेफिनेटली, लेकिन फिर भी पीछे जो है हल्का सा उनका जो लोकेशन है वो नजर आ रही है फॉर श्योर, और जो कि बिल्कुल सेम है जो मनारा ने पिक्चर्स डाले थे अभी कुछ दिन पहले, एक वीडियो भी डाला था उन्होंने इसी का ही। बहरहाल आपको क्या लगता है कि क्या हो रहा है, मतलब क्या कुछ चल रहा है, क्या डेटिंग कर रहे हैं सीक्रेटली दोनों एक दूसरे को, या फिर दोनों फ्रेंड्स भी नहीं है और दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे से बात नहीं करना चाहते हैं? लेकिन अगर ऐसा है तो इतने ज्यादा कोइंसिडेंस क्यों हो रहे हैं, मतलब ये भी अगर एक कोइंसिडेंस है तो ऐसा कोइंसिडेंस मतलब इन दोनों के साथ ही क्यों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा हमें।